सबसे बड़ी मॉर्चरी बना रहे हैं कराची में, उसकी ज़मीन पे काम चल रहा है सारा, वहाँ पर इस वक्त प्लांट हो चुकी है, मशीनें बाहर से आ रही हैं। और कराची की एक जो सबसे बड़ी मुश्किल थी कि खुदा ना खास्ता कोई वाकया सानिया हो जाए, वो तो अलग, जो डेली 1600 लोग अपनी मौत मरते हैं उनकी मैयतें अगर रखवानी पड़ जाएँ तो एक ऐसे मुर्दा खाने की ज़रूरत थी जहाँ पर एक बॉडी अलग रखी जाए, हर बॉडी सिंगल सिंगल रखी जाए, किसी दूसरी बॉडी का कोई भी चीज़ उसके ऊपर ना गिरे पहली बॉडी पर। एक मसले मसाइल तो उस पर काम हो रहा है, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं KDA के जनाब मोहम्मद अली शाह साहब के। ये जो आप सेंटर देख रहे हैं इसके अंदर नासिर हुसैन शाह साहब की खुसूसी इनका इंटरेस्ट था, सिंध गवर्नमेंट ने सपोर्ट की, तो आज वो मुर्दा खाना हमारा जो ये सेंटर्स गली गली डायलिसिस सेंटर जो खुल रहे हैं, डायलिसिस कराना किसी एक आम आदमी के लिए आज के दौर में नामुमकिन है। अगर कोई भी मुझसे बोले कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और 3 लाख रुपए में महीने के अपने 12 डायलिसिस करा लेता हूँ 25,000 रुपए के हिसाब से, तो मैं ये बात नहीं मानूंगा कि आप मिडिल क्लास के हों। हमारा ये वादा था कि हम हमारे इलाके में डायलिसिस सेंटर खोलेंगे, जिस जिस जगह सिंध गवर्नमेंट ने हमें ज़मीन दी है शाह साहब गवाएं, हमने वहाँ पर डायलिसिस सेंटर खोल दिए, यहाँ पर भी डायलिसिस सेंटर खुला है तो 600 मरीज़ रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वही सिलसिला जो बहुत सारे इलाकों में JDC के तावन से और वो मुखय्यर हजरात जो सपोर्ट करते हैं, जैसे रिजवान साहब हैं अमेरिका से जिन्होंने इस सेंटर के लिए सपोर्ट की, हम उनके शुक्रगुजार भी हैं और उनके लिए दुआगू भी हैं। इसी तरह जो जो जहाँ जहाँ हमें सपोर्ट करते हैं उन सब की तौफीकात में अल्लाह पाक इजाफा करे ताकि वो इस तरह खिदमत जारी और सारी रख सकें। सिंध गवर्नमेंट अपने तौर पर बहुत सारे इलाकों में जो हमने SIUT और दीगर उसके साथ मिल के ये फैसिलिटी दी है, लेकिन ये मर्ज इतना बढ़ता जा रहा है कि इसकी बहुत सारे इलाकों में इस तरह के डायलिसिस सेंटर की ज़रूरत है। तो इसमें जहां और बहुत इदारे काम कर रहे हैं लेकिन JDC वालों ने इसमें बहुत अहम रोल अदा किया है और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अहकामात पे जहाँ भी इस तरह की फैसिलिटीज़ चाहिए होती है हम मुहैया करते हैं। और वो एरिया, वो फैसिलिटी जो वैसे ऑपरेशनल नहीं होती, फंक्शनल नहीं होती, उसको जब JDC और दीगर भी जो बहुत सारे इदारे काम कर रहे हैं उनके तावन से फाल किया जाता है तो उस इलाके के लोग उससे मुस्तफीद होते हैं और वो जो कार खैर है जिसमें सब अपना हिस्सा डाल रहे हैं इसमें और मज़ीद भी इजाफा होना चाहिए ताकि हर जगह पे ये फैसिलिटीज़ हों। और मैं ज़फ़र को बहुत खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने बहुत काम किया है, इनका बड़ा अहम रोल रहा है इसी तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज़ में। और जिस तरह मोचरी का बताया गया कि ये इस पूरे बल्कि रीजन में मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो है वो बनाई जा रही है और उसमें भी जो इनको जगह चाहिए थी वो सिंध हुकूमत ने फराहम की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सुमैरा अनवर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बिजनेस न्यूज़ प्रोग्राम करंट बिजनेस अफेयर्स। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ और मशहूर बिजनेस पर्सनैलिटी, सोशल पर्सनैलिटी नाम ही काफ़ी है, JDC के ज़फ़र भाई, इनसे जानेंगे फ्री डायलिसिस सेंटर के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? आपके दुआएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बड़ा सेटअप और हमने ये सब नहीं ये अटेंड भी किया, फ्री डायलिसिस सेंटर, सैयद नासिर शाह मिनिस्टर साहब भी आए हुए थे, इस हवाले से बताइए आज इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी। देखें आज नासिर हुसैन शाह साहब ने यहाँ का इफ्तिताह किया और यहाँ पर भी वही वैसे ही सेंटर बना जैसे हम इससे पहले भी 10-12 बना चुके हैं कराची में और बहुत स्पीड में बना रहे हैं। मलिर का इफ्तिताह होने वाला है अगले हफ्ते। इस इलाके के जितने भी गुर्दे के मरीज़ हैं, लेफ्ट राइट जो भी इलाके हैं, वो यहाँ आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट अपना डायलिसिस कराएंगे और घर जाएंगे। 2 घंटे का नहीं, 4 घंटे का डायलिसिस होगा, कोई डायलाइजर रीयूज़ नहीं होगा, हर किट एक दफ़ा इस्तेमाल होगी, डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी, 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। जितने टेस्ट हैं, डायलिसिस है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है महंगाई के इस दौर में लोग अपने प्यारों को जिंदा रख सकें, सिर्फ इसलिए उनके प्यारे नहीं मर जाएँ क्योंकि उनके पास 25,000 रुपये एक डायलिसिस का, 3 लाख रुपये महीने के डायलिसिस कराने के नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर से गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूँगा, आप प्रोग्राम तवसुस से डॉक्टर जरताज साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, जिस जिसने इस प्रोडक्ट में सपोर्ट किया, रिजवान साहब अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी जिन्होंने इसके सारे खर्चात बर्दाश्त किए, इन सबका शुक्रिया जिसकी वजह से लोगों को जिंदगियाँ आसानी से फराम। डायलिसिस के हवाले से बताइए क्या क्या सर्विसेज आप यहाँ पे? देखिए यहाँ पर हम डायलिसिस की सहूलत दे रहे हैं, हम यहाँ पर उनके जो टेस्ट हैं वो तमाम कर रहे हैं, हम उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर दे रहे हैं, यहाँ पर दुनिया की नंबर 1 कंपनी की मशीन फ्रिजीनियस के ऊपर उनका डायलिसिस हो रहा है, यहाँ पर जो RO प्लांट लगाए गए हैं इम्पोर्टेड हैं, कोई भी चीज़ लोकल नहीं है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ JDC ज़फ़र भाई का कि उन्होंने हमारे इस सोल्जर बाज़ार मैटरनिटी होम एंड डिस्पेंसरी में डायलिसिस सेंटर ओपन किया और ये मुझे बड़ी खुशी हुई है कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो नहीं जा
सकते हैं। और तो मुझे जो है ना यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं उनको एम्बुलेंस लेकर जाएगी एंड एम्बुलेंस उनको ड्रॉप भी करती है, तो फिर वो अपने डायलिसिस यहाँ पे करवाते हैं। 4 आवर्स का डायलिसिस है, तो पेशेंट्स यहाँ पर जो हैं वो आते हैं आराम से अपना डायलिसिस करवाते हैं और फिर उनको एम्बुलेंस वापस अपने घर छोड़ती है। तो मुझे जो है ये मीन्स यहाँ के एरिया के लोगों के लिए जो पुअर पेशेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी सहूलियात हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ JDC ज़फ़र साहब वालों का कि उन्होंने यहाँ पर सेंटर्स जो हैं हमारे पास सेंटर कायम किया और यही सेंटर्स और दूसरी जैसे हैदराबाद नवाबशाह वहाँ पर भी उनको कायम करने चाहिए और हमें बड़ी खुशी होगी कि पेशेंट को फ्री डायलिसिस मिलेगा। कराची में जो ऑपरेशनल इस वक्त सेंटर हैं वो 10 हो चुके हैं हमारे जो ऑपरेशनल हैं, बाकी 3 सेंटर्स पर अभी काम चल रहा है। मजीरी के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसकी भी डेट अनाउंस हम कर देंगे कि कब उसको हम ओपन करने जा रहे हैं। JDC की बहुत सारी सर्विसेज हैं जैसे कि हमारा दस्तखान, इस वक्त पाकिस्तान के तकरीबन 27 जगहों पर दस्तखान मौजूद है हमारा। उसके अलावा एम्बुलेंस सर्विस हमारी मौजूद है। एजुकेशन के लिए हमने ITCT बनाया है 5-स्टार चौरंगी की तरफ, जहाँ पे समझ लिया आप 2 महीने के अंदर 10,500 बच्चा जो है वो पास आउट होकर वहाँ से निकलता है, मुख्तलिफ कोर्सेज ई कॉमर्स वगैरह के कर रहे हैं वो है। फिर अभी हम दुनिया की सबसे बड़ी मॉर्चरी बनाने जा रहे हैं जहाँ पे 1000 डेड बॉडीज हम एट अ टाइम रख सकते हैं, तो वो कंप्लीट होने जा रही है हमारी। और बहुत सारे ऑपरेशन हमारे चल रहे हैं यहाँ पर। मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर की कैपेसिटी में काम कर रहा हूँ इस पूरे डायलिसिस प्रोग्राम के लिए। जब ये आइडिया कंसीव हुआ था JDC को कि ये शहर में मुख्तलिफ जगह पर, तो ये बड़ा मुख्तलिफ किस्म का एक आइडिया था क्योंकि आपको शहर में इस तरह से फैले हुए सेंटर्स दिखाई नहीं देंगे। किसी एक अम्ब्रेला में काम करते हुए सेंटर्स आपको आपको हॉस्पिटल मिलेंगे जहाँ डायलिसिस हो रहा है, लेकिन डायलिसिस सेंटर्स का कोई कंसेप्ट नहीं था। लेकिन दुनिया भर में ऐसा होता है कि जहाँ पर आप जो है वो जिसको हम डे केयर सर्विसेज कहते हैं कि जिसमें पेशेंट आता है और वापस घर जाता है, ये डायलिसिस सेंटर इस वक्त शहर में तकरीबन 9 जगह हो चुके हैं और 3 इस वक्त जो है वो प्रोसेस में। इन 9 सेंटर्स में इस वक्त हम 12 घंटे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और जैसे ही नंबर ऑफ पेशेंट ज़्यादा होगा हम शिफ्टों को बढ़ा देंगे और राउंड द क्लॉक चले जाएंगे। तो एक तो ये काम हो रहा है। इस यूनिक कंसेप्ट का फ़ायदा ये था जो आपने इलाकों में सेंटर्स बनाए, मैं जिस वक्त आपके साथ यहाँ बैठा हूँ सोल्जर बाज़ार में, इस सेंटर में जो मेरे पास आसपास गार्डन से इवन नर्सरी और PCHS के एरिया से यहाँ पेशेंट अप्रोच कर रहा है, और ये वो लोग हैं जिनको डायलिसिस के लिए दूर दराज जाना पड़ता था। अब ये बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, बहुत सारे पेशेंट जो पैदल चल के आते हैं वो डायलिसिस कराते हैं, पीछे की तरफ रहते हैं वो जाते हैं, और ये ओल्ड एज लोग हैं। अब उनको फ़ायदा ये हो गया कि उनकी फैमिली को उन्हें छोड़ने नहीं आना पड़ता, जो जॉब पे जा रहा है वो जॉब पे जाता है, पेशेंट आता है डायलिसिस कराता है और घर जाता है। वो इतने करीब हैं ज़्यादातर कि वो खुद ही आ रहे हैं और जा रहे हैं, घर से जैसे मार्केट जाते हैं इस तरह डायलिसिस पे आ जाते हैं। इनका डायलिसिस होता है ट्वाइस अ मंथ, जो इंटरनेशनल कंसेप्ट है डायलिसिस का वो है हफ्ते में 3 मरतबा, एवरी वीक थ्राइस। इसीलिए जो कॉस्ट आती थी इन लोगों को वो तकरीबन 2 लाख से ऊपर जाती है पर मंथ, क्योंकि अगर आप मिनिमम भी रखें इस वक्त तो वो 10,000 से तो कहीं ना कहीं हर जगह डायलिसिस शुरू होता है प्राइवेट सेक्टर में, और ये कॉस्ट, और वो भी उस पर है कि वो रीयूज़ प्रोग्राम करते हैं, यानी वो एक डायलाइजर को या एक जो सेट लगता है उसको कम से कम 15 मरतबा इस्तेमाल करते हैं और हम सिंगल यूज़ कर रहे हैं। उसका फ़ायदा ये है कि पेशेंट को इधर से उधर इन्फेक्शन जो हैं वो ट्रांसमिट नहीं होते। हेपेटाइटिस बी और सी की आपको एक्सट्रीम केयर करनी पड़ती है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को ना लग जाए। जो किट आप एक दफ़ा यूज़ कर लेते हैं वो फिर आप किट यूज़ नहीं करते हैं, वो डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है ऑन द स्पॉट। अभी आपके सामने जितने डायलिसिस ख़त्म हुए हैं ये नई किट्स लग रही हैं जो कल सुबह के लिए तैयार हो रही हैं।